नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पे। आज सिलीगुड़ी प्रधाननगर में रोटरी ब्लड बैंक के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां कई लोग इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बन अपना योगदान दिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गोपाल कयान, रोटरी क्लब सिलीगुड़ी उत्तरायण का प्रेसिडेंट हूँ और आज मुझे ये आप लोगों को बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आज रोटरी क्लब सिलीगुड़ी उत्तरायण यहाँ पे एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है विधाननगर एरिया में। इसके लिए हमने यहाँ के क्षेत्र की दो फैक्ट्रियों में हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, एक रोटरी क्लब के माध्यम से और एक लायंस क्लब राइजिंग स्टार के माध्यम से। यहाँ पाइनियर एक फैक्ट्री है विधाननगर एरिया में, जहाँ पे रोटरी ब्लड बैंक से हमने निवेदन किया कि वो यहाँ पे आएँ और अपना कैंप यहाँ पे लगाएं। और यहाँ से 10 किलोमीटर पहले बिजली मनी एरिया में आनंद श्री पॉलीफैब नाम की एक फैक्ट्री है, वहाँ पे हमने लायंस तराई ब्लड बैंक से निवेदन किया कि वो वहाँ पे आएँ और कैंप लगाएँ। आज हम लोगों का ये टारगेट है कि दोनों फैक्ट्रियों में मिनिमम 250 का हम लोगों का टारगेट है ब्लड कलेक्शन का, जो कि दोनों एग्रीगेट करके 500 यूनिट करीब होता है। और हम लोग जो जिस हम लोगों ने 9 बजे यहाँ से ब्लड डोनेशन कैंप दोनों जगह स्टार्ट किया है और अभी सवा घंटा डेढ़ घंटा के अंदर में प्रायः 70 यूनिट यहाँ पे कलेक्शन हो गए, 70 यूनिट का यहाँ पे कलेक्शन हो चुका है। और मेरी जो एक सेकेंड यूनिट में जहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम हो रहा है वहाँ पर भी 70 से 80 यूनिट का ऑलरेडी कलेक्शन आ चुका है। और हम लोग आशा करते हैं कि शाम होते होते हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर जाएंगे और उससे भी आगे निकल जाएंगे। मैं आपको मुझे ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि रोटरी क्लब सिलीगुड़ी उत्तरायण हर महीने कुछ ना कुछ सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो ट्री प्लांटेशन का हो, चाहे वाटर कूलर का हो, चाहे लिटरेसी में हो। हम लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाके, चाहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, समाज के विभिन्न सेक्टर्स में जाके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग समाज का कल्याण के लिए कुछ काम कर सकें।